आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मधु सिंह। पेश है रात 11 बजे तक की बड़ी खबरें। समय व क्षमता बढ़ी, अब रेस्टोरेंट बार व शॉपिंग मॉल्स में बिक्री बढ़ने की उम्मीद। क्षमता 50 से बढ़ाकर 70% की गई, समय बढ़ाकर रात 11 बजे तक किया गया। नाइट कर्फ्यू में कुछ और रियायत देने की अपील। पीएम पद की दौड़ में शामिल होने के सवाल पर चुप रही ममता। शुक्रवार को ममता बनर्जी गोवा में संवाददाताओं से रूबरू हुई, जहां उनसे कई सवाल पूछे गए। उन्हीं सवालों में अगले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने संबंधी सवाल भी थे, जिसे ममता ने टाल दिया। ममता से पूछा गया कि क्या वह 2024 में देश के शीर्ष पद की दौड़ में शामिल हो रही हैं, तो उन्होंने पत्रकारों से कहा, अगर मैं आपको अभी सब कुछ बता दूं तो मैं बाद में क्या बताऊंगी। They will decide everything and we can discuss, we can consult, we can counseling, we can help and it is to be decided together. I cannot tell it right now. विधाननगर में फर्जी कॉल सेंटर का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। विधाननगर साइबर थाना की पुलिस पिछले कुछ दिनों में सेक्टर 5 में कई फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर चुकी है। गत गुरुवार को विधाननगर साइबर थाना की पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स थाना इलाके के सेक्टर 5 स्थित ट्विन टावर में छापेमारी की। इस मामले में मुख्य अभियुक्त विनोद कुमार सिंह व उसके सहयोगी राजेश सिंह बघेल को गिरफ्तार किया। दोनों ही काशीपुर रोड इलाके के रहने वाले हैं। 84,72,000 के सोने के बिस्किट विमान के सीट के नीचे छुपाए मिले। कोलकाता एयरपोर्ट पर दुबई से आए विमान से 84,72,000 की कीमत के सोने के बिस्किटों को कस्टम्स की टीम ने जब्त किया है। दुबई से आई एक उड़ान से यात्रियों के उतरने के बाद कस्टम्स की टीम ने जब विमान की तलाशी की तो रो नंबर 17 व रो नंबर 18 की सीटों के नीचे से सोने के बिस्किट बरामद किए गए। काली पूजा से पहले देश के सबसे बड़े मूर्ति निर्माण हब कोलकाता के कुम्हार टोली में तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच हमारे कैमरा पर्सन दीपेन उपाध्याय ने कुम्हार टोली से कुछ सुंदर पल अपने कैमरे में किए कैद। आइए आपको दिखाते हैं वीडियो। जिलों की खबरों पर एक नजर। बागुईहाटी थाना प्रभारी के साथ चार ऑफिसर डेंगू की चपेट में। बागुईहाटी थाने के थाना प्रभारी कलोल घोष सहित चार ऑफिसर डेंगू की चपेट में आ गए हैं। इसलिए विधाननगर नगर निगम द्वारा बागुईहाटी थाना के अंदर व बाहरी हिस्सों में डेंगू मच्छर के लार्वा को नष्ट किया गया। शुक्रवार की दोपहर से ही विधाननगर नगर निगम बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव के सदस्य एवं स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक प्रणय राय के तत्वावधान में यह अभियान चलाया गया। दिवाली से पहले ही गौशाला समेत लिलवा की सड़कों की मरम्मत का काम होगा पूरा। 4 नवंबर को दिवाली है और उसके ठीक कुछ दिनों के बाद ही छठ महापर्व है। ऐसे में हावड़ा की घाटों की सफाई व सुंदरीकरण का काम शुरू हो गया है, लेकिन लिलवा का गौशाला घाट एकमात्र ऐसा घाट है जहां जाने के लिए ठीक से कोई सड़क तक नहीं है, जो कई सालों से मरम्मत की बांट जो रहा है। ये घाट ऐसा है जहाँ हर साल करीब हजारों छठ व्रती पहुँचते हैं, लेकिन घाट तक जाने के लिए छठ व्रतियों को हजारों बार सोचना पड़ता है। 2 अवैध हथियार समेत व्यक्ति गिरफ्तार। अवैध हथियार घर में छुपा कर रखने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम हन्नान मुल्ला है। वह बासंती के साथ काउरा हैदर मोड़ इलाके का रहने वाला है। पेश है देश दुनिया की बड़ी खबरें। दिवाली से मिलेगा जियो फोन नेक्स्ट। स्मार्टफोन की कीमत 6,499 रुपए, लेकिन 1,999 में मिल जाएगा, बाकी पेमेंट 300 रुपए ईएमआई पर। अब मनोरंजन की खबरों पर डालते हैं नजर।
एसएस राजामौली की अगली फिल्म ट्रिपल आर के ट्रेलर लॉन्च में राजामौली ने की ग्रैंड एंट्री। अब पेश है कल का मौसम। शनिवार को महानगर का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम साफ बने रहने की उम्मीद है। अभी तक के लिए इतना ही। सभी विस्तृत खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए खबर एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।